हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वेटनेरियन 01। तो फिर मैं आज लेकर आया हूँ बॉटनी सेक्शन का कुछ टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि पूछे जाते हैं वेटनरी के एग्जाम में, और कुछ क्वेश्चन भी हैं इसमें जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है। और हाँ, बॉटनी का मैं पूरा सीरीज इस पर लाऊँगा और जूलॉजी का भी है। ठीक, तो फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं। आज पहला दिन है, तो आप पूरे पूरे जो मैं पढ़ाऊंगा उसको इंपॉर्टेंस बताऊंगा, और जो भी चीज़ रहेगा आप लोग उसको लिख लीजिएगा। ठीक, और बार बार रिवीजन करिए इसे, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम हो रहा है वेटनरी का, ठीक है, दुआसू का एग्ज़ाम, इसमें से ही क्वेश्चन आएगा। कहीं बाहर फालतू के इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इस पर बने रहिए और 100% इसी में से आएगा। ठीक, और आप लोग को फ्री सीट मिल जाएगी। ठीक, क्योंकि फ्री सीट मैंने पहले भी बताया कि फ्री सीट के लिए आपको कितना नंबर की ज़रूरत होती है, तो फ्री सीट के लिए आपको 540 प्लस लाने की ज़रूरत है तो ही आपको फ्री सीट मिलेगी। अगर आप 490 के आसपास या फिर 500 के आसपास रहते हैं तो आपको पेमेंट सीट मिलेगी। ठीक, और मैं पेमेंट सीट फ्री सीट के बारे में आप अपने वीडियो में बता चुका हूँ, तो फर्दर आप अगर नए हैं इस चैनल पर तो गो थ्रू हो जाइए मेरे एक वीडियो में जिसमें मैंने दुआसो के फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताया। ठीक, और बाकी शुरू करते हैं। ठीक, तो मैं फिर से ये कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी सारे सेक्शन की वीडियो मिले। मैं प्लेलिस्ट में डाल दूँगा बॉटनी सेक्शन के। ठीक, तो आज पहला चैप्टर शुरू करते हैं, बायोलॉजी, बायोलॉजी इंट्रोडक्शन। ठीक, इसमें से 100% क्वेश्चन आते हैं, तो मैं क्या करूँगा कि इसमें जैसे जो इंपॉर्टेंस रहेंगे उसको मैं हाईलाइट कर दूँगा और बता दूँगा क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, और आप लोग बस उसे नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। ठीक, और बार बार उसे रिवाइज करिए, क्योंकि ये जो PDF है 4-5 पेज के हैं। ठीक, तो इसमें आप लोग को ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, और बढ़िया से करवाऊँगा। और फिर बस आप क्या करिएगा, एक कॉपी बना लीजिए। ठीक, एक कॉपी बना लीजिए इस इंट्रेंस के लिए, उसमें वो सारे टॉपिक लिखिए जो मैं इंपॉर्टेंस के तौर पे बता रहा हूँ, क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चन, और जो मेरे भी एग्ज़ाम में आए हैं वो क्वेश्चन को मैं हाईलाइट करवा दूँगा। ठीक है, वो रिपीट होते हैं क्योंकि स्टेट लेवल की एग्ज़ाम, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, तो क्वेश्चन जैसे पेपर जमा हो जाता है जब आप एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, 26 मई को, ठीक, 26 मई को एग्ज़ाम देंगे, तो वो आप लोग का पेपर जो होगा वो जमा कर लेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। ठीक, 200 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 800 मार्क की होती है, इसमें से आपको 540 प्लस लाना है फ्री सीट के लिए। ठीक, टारगेट बना के चलिए 550, 590, 580 जो भी है, ठीक, आपको फ्री सीट मिल जाएगी। ठीक, और अगर जो मान लिया कोई मीडियम स्टूडेंट है पढ़ने में, ठीक, तो कोई बात नहीं, अगर बढ़िया से करेगा तो उसे भी फ्री सीट मिल जाएगी। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया गया है इंट्रोडक्टरी पार्ट में, बायोलॉजी जो है, ठीक, वो दो वर्ड से मिलकर बनी है, बायो प्लस लॉजी। ठीक, बायो का मतलब होता है लाइफ, लॉक्स का मतलब होता है हिस्ट्री, तो लाइफ की हिस्ट्री को बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक, इसे तो सिंपल है, इसे कुछ आना जाना नहीं। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक, प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल केमिकल चेंज टेक प्लेस इनसाइड द प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर सभी प्रकार के फिजिकल केमिकल चेंजेस होते हैं। ठीक, जिसे, ठीक है, तो इससे भी कुछ नहीं है, और ये सब आप जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं बता दूंगा। ठीक, एनाबोलिज्म का क्या मतलब होता है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, कैटाबॉलिज्म का मतलब डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, एना का मतलब होता है जोड़ना, कैटा का मतलब कट करना यानी कि तोड़ना। ठीक, तो इसका मतलब यह है, बस सिंपल से ये जान लीजिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक एनर्जी फॉर वाइटल एक्टिविटी फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपनी एनर्जी कहाँ से पाते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन से। ठीक, ये तीन चीज़ें, और जैसे आ गया कि एनर्जी का सोर्स क्या हो सकता है, तो कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, फैट भी होता है, प्रोटीन भी हो सकता है, तो यानी आल दबाव आप लगाएंगे। ठीक, और ग्रोथ, ग्रोथ यानी परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज इन फॉर्म एंड वॉल्यूम एक्म्पाइन बाय इंक्रीज इन ड्राई वेट इन ऑर्गेनिज्म। ठीक, फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेसफुल मेटाबॉलिज्म। ठीक, यहाँ से भी आने के चांस नहीं है। ठीक, होम्योस्टेसिस क्या होता है, ऑल ऑर्गेनिज्म मेंटेन रिलेटिवली कॉन्स्टेंट इंटरनल कंडीशन थ्रू प्रोसेस का होम्योस्टेसिस। तो ऐसे आ सकता है कि ऑल ऑर्गेनिज्म मेंटेन रिलेटिवली कॉन्स्टेंट, अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मेंटेन किया है अंदर का, ठीक, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, तो होम्योस्टेसिस बोलेंगे। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंस है, इसे आप नोट कर लीजिए, वैसे आप लोग को पता भी होगा। ठीक, तो मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, एक बार नोट कर लीजिए और बार बार इसे रिपीट करिए, मतलब एक बार पूरा सिलेबस हो जाने के बाद। ठीक, ऑर्गेनिज्म हैव टेंडेंसी टू इवॉल्व विद टाइम ड्यू टू कॉम्प्लेक्स एकोमिलेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक, तो ये कोई बस पढ़ने की ज़रूरत है, इसे याद रखने की जरूरत नहीं। अब देखिए, जो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं, ठीक, इसमें से एक क्वेश्चन आना है,
ठीक। और मैं मतलब श्योर बता सकता हूँ कि मतलब इसी के आसपास आएगा, जो कहूँगा इंपॉर्टेंट है उसमें से ही आएगा, ठीक। ये अब जैसे पाँच छः का कहूँगा तो उसमें से एक जरूर आएगा, ठीक। तो देखिए स्टडी ऑफ ग्रासेस को क्या बोलते हैं, एग्रेस्ट्रोलॉजी, ठीक। तो इसे आप नोट कर लीजिए, एग्रेस्ट्रोलॉजी को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ ग्रास, ठीक। एग्रोनोलॉजी स्टडी ऑफ क्रॉप कल्टिवेशन एंड फार्म मैनेजमेंट, ठीक ठीक है, ये आने का चांस नहीं है। एलेगोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी को एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहते हैं, ठीक। एनाटॉमी इंटरनल ऑर्गन के स्टडी को एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक। आप लोग फर्स्ट ईयर में आएंगे मथुरा में तो ये सब्जेक्ट होता है एनाटॉमी, ठीक, फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में किसी स्पीसीज की स्टडी को आर्टिकोलॉजी बोलते हैं, ठीक। ये हो गया। और बायोकेमिस्ट्री किसे बोलते हैं, स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन एंड रिएक्शन इन द बॉडी, तो ये सेकंड ईयर में बायोकेमिस्ट्री होती है, ठीक। तो स्टडी केमिकल, उसमें केमिकल कंपोजिशन उसके रिएक्शन के बारे में स्टडी की जाती है। बायोफिजिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स के बेसिस पे स्टडी की जाती है ऑर्गेनिज्म की, तो बायोफिजिक्स बोलते हैं। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरियोलॉजी, ये तो आप लोग कर लेंगे। बायोटेक्नोलॉजी यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कॉमर्शियली प्रोसेस, ठीक, प्रोड्यूसिंग फाइन केमिकल सच एज ड्रग्स वैक्सीन हार्मोन, तो ये इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी की जो स्टडी है, तो इसे मैं स्टार्ट मार्क करता हूँ, ठीक। तो ये आप नोट कर लीजिए। तो बायो जियोग्राफी क्या होते हैं, ठीक, बायो जियोग्राफी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन वेरियस पार्ट ऑफ अर्थ, ठीक, इसे बोलते हैं बायो जियोग्राफी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें नोट कर लीजिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये बायो एनर्जेटिक्स, क्योंकि ये मेरे भी एग्जाम में आया है तो मैं इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क करवा दे रहा हूँ, इसे आप लोग 100% नोट कर लीजिए। तो स्टडी ऑफ यूज एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसका यूज की उसके यूज की स्टडी को क्या बोलते हैं, बायो एनर्जेटिक्स बोलते हैं, ठीक। और ये भी साथ साथ इंपॉर्टेंट है बायो मेट्रिक्स, क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी इसकी थोड़ी बहुत जिक्र है, ठीक, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक, तो ये दोनों आप लोग नोट कर लीजिएगा। और हाँ, साथ ही साथ मैं इसका पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल @mathurapvt पे डाल दे रहा हूँ, ठीक। तो आप लोग यहाँ पे तो मैं थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, इसमें थोड़ा सा कलर है, ठीक है, इसको आप बढ़िया से वहाँ पे गो थ्रू हो जाइएगा, ठीक। अब हम पढ़ते हैं आगे, देखिए बायो स्टेटमेटिक्स, ठीक, स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन नॉमन क्लेचर क्लासिफिकेशन रिलेशनशिप एंड लिविंग विंग, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन नॉमन क्लेचर क्लासिफिकेशन रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, तो उसे बायो सिस्टमेटिक्स बोलते हैं, ठीक, बायो सिस्टमेटिक्स बोलते हैं, ठीक। कीमो टेक्सोनॉमी क्या होती है, टेक्सोनॉमिकल स्टडी बेस्ड ऑन केमिकल प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म, ठीक, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रायो बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ एट वेरी लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर की बात आती है तो क्रायो शब्द यहीं से हुआ, ठीक है। साइटोजेनेटिक्स स्टडी ऑफ साइटोलॉजी बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन इन सेल, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, सेल के फंक्शन और उसके स्ट्रक्चर की स्टडी को साइटोलॉजी बोलते हैं, ये तो आप लोग जानते होंगे, ठीक। साइटोटेक्सोनॉमी क्या होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है साइटोटेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन सेल कॉन्स्टिट्यूएंट इंक्लूडिंग क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर, तो क्रोमोसोम नंबर और उसके स्ट्रक्चर के सेल के अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट, सेल किससे मिलकर बना हुआ है और उसके अंदर के जैसे कि इंक्लूडिंग क्रोमोसोम नंबर और स्ट्रक्चर, ठीक, तो उसके टेक्सोनॉमी की स्टडी को साइटोटेक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक। नीडोलॉजी, ठीक, स्टडी ऑफ सीलेंट्रेट्स, ये तो सीलेंट्रेट वगैरह, ये तो फाइलम, ये तो एनिमल किंगडम में है, ठीक, सीलेंट्रेट ये सब, ठीक है, तो उसके स्टडी को क्या बोलते हैं, नीडोलॉजी। कॉन्कोलॉजी क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ सेल्स सीक्रेटेड बाय मेंटल ऑफ मोलस्क, मोलस्कस जो होते हैं फैमिली मोलस्कस जो होती हैं उसके मेंटल जो होती है ऊपरी ऊपर वाली कवरिंग होती है, ठीक, ये ऊपर वाली कवरिंग को मेंटल बोलते हैं, तो उसके कवरिंग के स्टडी को क्या बोलते हैं, कॉन्कोलॉजी, ठीक, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी दिया गया है तो पढ़ लेते हैं, पढ़ने में कोई वो नहीं है। और कॉस्मोलॉजी क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ यूनिवर्स इन नेचर ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एपिडर्मोलॉजी ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, स्टडी ऑफ इन्फेक्शन बाय ऑर्गेनिज्म इन ऑर्गेनिज्म इन इट्स स्प्रेड, ठीक, तो इसके इन्फेक्शन किसी ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन को और उसके जो फैला रहा है उसके तरीके को जो हम लोग स्टडी करते हैं तो ईपी डाइमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। यूजेनिक्स क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, यूथेनिक्स यूजेनिक्स, ठीक, तो यूजेनिक्स होती है वो क्या है, इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, ठीक, तो ह्यूमन रेस जो मतलब जेनेटिक्स के प्रयोग से ह्यूमन के जो जो ह्यूमन का कल्चर है या फिर जो ह्यूमन के अंदर की कुछ बीमारियां या फिर कुछ है उसमें इंप्रूवमेंट लाना, ठीक, जेनेटिक्स में, तो उसे यूजेनिक्स बोलते हैं। यूथेनिक्स क्या होती है, बेटरमेंट ऑफ ह्यूमंस प्रेजेंट
जनरेशन बाय गिविंग गुड इन्वायरमेंट, गुड न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन। ठीक, तो जो अभी जनरेशन जो चल रही है उस जनरेशन को, प्रेजेंट जनरेशन को अच्छे इन्वायरमेंट और अच्छे एजुकेशन, अच्छे ड्रग्स, अच्छे गुड न्यूट्रिशन एंड गुड एजुकेशन से अच्छा बनाना, तो यूथ ट्रेनिंग बोलते हैं। ठीक, और जेनेटिक डिसऑर्डर ये सब की स्टडी को, ठीक है, ट्रीटमेंट की स्टडी को यूफेनिक्स बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इरिफोलॉजी, ठीक, स्टडी ऑफ सॉयल, पोडोलॉजी भी बोलते हैं स्टडी ऑफ सॉयल, ये भी है इंपॉर्टेंट। ठीक है, और फ्लोरिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर यील्डिंग प्लांट, ठीक, ये भी फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। फॉरेस्ट्री या फिर सिल्वी कल्चर क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड देयर प्रोडक्ट। ठीक, फॉरेंसिक साइंस, अप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इक्वेशन सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। ठीक, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक, फिर भी जो मैं स्टार मार्क कर दिया हूँ उसे एक बार लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक, अब एक्स्ट्रा पॉइंट ये मैंने एक बार करा दिया है लेकिन अभी इस पीरियड में है तो फिर गो थ्रू हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, जैसे मैं जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो अरिस्टोटल जो थे उन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं एज वेल एज जूलॉजी। ठीक, तो फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज जूलॉजी जो अगर आता है, दोनों दोनों के फादर अरिस्टोटल हैं। ठीक, वो टर्म बायोलॉजी जो किसने दिया था, लैमार्क ने दिया था एंड ट्राइवेनस ने दिया था। ठीक, ट्राइवेरिनस ने दिया था 801। तो डेट वगैरह जो पूछी जाती हैं बहुत कम पूछी जाती हैं, तो जैसे कुछ डेट आएंगी तो वो मैं बता दूंगा। ठीक, और बाकी जो नाम तो आता ही है। ठीक है, इसमें इस एग्ज़ाम में नाम बहुत अधिक पूछे जाते हैं। ठीक, तो बायोलॉजी टर्म किसने दिया था, तो लैमार्क एंड ट्राइवेरिनस ने दिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। मैं पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें जो मैं स्टार मार्क किया हूँ उसे 100% आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए, तभी आप लोग को फ्री सीट मिलेगी। ठीक, अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। थियोफ्रेस्टस जो थे इन्होंने फादर ऑफ बॉटनी। ठीक, अब देखिए फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक, ये देखिए फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रेस्टस है, लेकिन फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, अरिस्टोटल, जो कि फादर ऑफ बायोलॉजी भी है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों में। क्या हुआ था, मेरा ये क्वेश्चन मतलब गलत हो गया था, मैंने कन्फ्यूजन में ये इनको गलत कर दिया था। ठीक, फादर ऑफ जूलॉजी थियोफ्रेस्टस लगा दिया था, तो आप लोग ऐसा मत करिएगा। जो जैसे एफ जेड करके याद होगी, जो जूलॉजी और बी जेड, ठीक है, इसके फादर कौन है, ए, जैसे बोलते हैं A to Z, तो A to Z। ठीक, तो अरिस्टोटल जो थे जेड, यानी जूलॉजी के भी थे और इसके A to Z के अंदर भी आ जाता है, तो बायोलॉजी के भी थे। ठीक है, फादर, और थियोफ्रेस्टस जो थे, देखिए थियोफ्रेस्टस थे बॉटनी के थे, TB। ठीक, ऐसे करके याद कर लीजिए, TB, सॉरी। ठीक, तो फादर ऑफ बॉटनी कौन थे, थियोफ्रेस्टस थे। ठीक, अब लुइस पाश्चर जो थे, लुइस पाश्चर कंसीडर फादर माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी फादर माइक्रोबायोलॉजी कौन थे, लुइस पाश्चर। ठीक, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये क्या है, इज द साइंस ऑफ कंसर्न विद द डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर हार्ड। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जीनोमिक्स क्या है, ठीक है, अब देखिए जीनोमिक्स, इसके अंदर ये साइंटिस्ट का नाम दिया गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, थॉमस एच रोड्रिक। ठीक, जीनोमिक्स जीते थे। ठीक, इंक्लूड क्या था इसमें, सीक्वेंस ऑफ जीनोम, डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्लीट आप कंप्लीट सेट ऑफ प्रोटीन इनक्लोज बाय एन ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और बाकी हाँ ठीक है, ये देखिए हीरोडीन क्या है इसमें से, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हीरोडीन जो है एंटीकोगुलेंट प्रोटीन फाउंड इन लीच, तो ऐसा आ सकता है इसमें से कौन सी एंटीकोगुलेंट प्रोटीन होती है वो लीच में पाई जाती है, तो क्या है, हीरोडीन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। इज नाउ प्रोड्यूस फ्रॉम दी, अभी ये जो है हीरोडीन है वो कहाँ से, किस पौधे से भी प्राप्त होती है, तो ये ब्रेसिका नेपस। ठीक, ये ब्रेसिका, ब्रेसिकेसी फैमिली सीड होती है, लाई आप लोग सुने होंगे। ठीक, येलो कलर की भी होती है, ब्लैक कलर की होती है, तो उसी की फैमिली से ब्रेसिका नेपस होता है, तो उससे हीरोडीन पाई जाती है, तो ये आप लोग 100% नोट कर लीजिए। ठीक, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक, ब्रेसिका नेपस जो कि डीच से भी पाई जाती है। ठीक, और एक गोल्डन राइस जो है विटामिन ए रिच होती है, गोल्डन राइस में, जिस ट्रांसजेनिक राइस है। ठीक, जेनेटिक्स मॉडिफिकेशन इसमें किया गया है राइस में, ठीक है, जिसमें विटामिन ए रिच होता है। और 12 नंबर पे गया, फ्लेवर सेवर, जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो रिटेन देयर फ्लेवर मच लॉन्गर ड्यू टू ब्लॉकिंग सिंथेसिस ऑफ एंजाइम पॉलीगलेक्टोरिनेज। ठीक, गलेक्टोरिनेज, तो ये इसका नाम पूछा जाता है हमेशा, तो ये भी नोट कर लीजिए कि जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन टोमेटो होते हैं, ठीक है, किस एंजाइम की वजह से मतलब उसकी जो लॉन्ग लास्टिक ड्यूरेशन होती है वो बढ़ जाती है, तो पॉलीगलेक्टोरिनेज। ठीक, इस एंजाइम की सिंथेसिस रुक जाती है, ठीक है, तो इस वजह से। बीटी कॉटन, इस पर तो 100% आना ही है क्वेश्चन। बीटी कॉटन ये इंसेक्ट रेजिस्टेंस ट्रांसजेनिक कॉटन होती है, जो कि बीटी टॉक्सिन जो ड्राइव होती है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, तो इसका नाम याद कर लीजिएगा।
इससे होती है। और डॉली सिप वाज फर्स्ट क्लोन, फर्स्ट सबसे पहली क्लोन सिप कौन सी थी? डॉली सिप, जिसका नाम था, ठीक है। फुली डिफ्रेंशिएटेड एनिमल कैंपेल एंड वेलमैन, इनका नाम आ सकता है, ठीक, कैंपेल एंड वेलमैन। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें से पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ कौन कौन से। जैसे स्टडी ऑफ रिप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, उसको क्या बोलते हैं? हर्पेटोलॉजी बोलते हैं। तो ये आप लोग याद कर लीजिए। और ये तो आने के चांस नहीं है। ब्लड एंड ब्लड डिसऑर्डर के लिए हीमेटोलॉजी, हीम का मतलब ही होता है ब्लड से रिलेटेड कोई बात हो रही है, आयरन से रिलेटेड, ठीक है, हीम, हीमेटोलॉजी, ठीक। स्टडी ऑफ फिश को क्या बोलते हैं? इस्थीसियोलॉजी, ठीक। फिशिक, अभी जो फिश की स्टडी अभी अपने अपने दुआसु मथुरा में भी फिशरी कल्चर खुल गया है, ठीक, एक अलग से मतलब है कॉलेज उसी के अंदर, ठीक, फिशरी कल्चर चालू हुआ है अभी इस साल से 2024 से। स्टडी ऑफ फंजाई क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी, ठीक। अब देखिए माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी, इन दोनों में कन्फ्यूजन होती है, ठीक। देखिए फाइकोलॉजी होती है एक, होती है माइकोलॉजी। अब इसमें से कन्फ्यूजन ये होती है कभी कभी कि कौन सा इसमें फंजाई के लिए है, कौन सा एल्गी के लिए है, ठीक। अब देखिए जो हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ फंजाई, तो FM पढ़ते हैं, FM रेडियो का नाम सुना है, ठीक। तो वही, तो F से क्या हो गया? फंजाई। फंजाई की स्टडी को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी, ठीक। और बाकी बचा फाइकोलॉजी, ठीक, ये एल्गी के लिए है, ठीक। तो ऐसे आप लोग FM से याद कर लीजिए, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक। आई होप समझ में आया होगा, ठीक। तो मैं थोड़ा बहुत ट्रिक भी बताता रहूँगा कि जिससे आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि मेरे प्रिपरेशन के दौरान मुझे कन्फ्यूजन होते थे। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक। मेलिकोलॉजी की स्टडी ऑफ मोलस्क को बोलते हैं। फिर देखिए स्टडी ऑफ निमेटोड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स नेस्ट, नीडोलॉजी, बर्ड्स के घोंसले की स्टडी को नीडोलॉजी बोलते हैं, ठीक। निमेटोलॉजी किसे बोलते हैं? स्टडी ऑफ निमेटोड्स, ठीक। तो इतना हो गया अब, और ठीक है, अब इतना ही इंपॉर्टेंट है इधर। फिर इसमें देखिए मैंने पहले से ही लगा लिया। और ऑर्निथोलॉजी किसे बोलते हैं? स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक। फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी कौन थे? बर्ड्समैन ऑफ इंडिया कौन है? बताइए बताइए, बर्ड्समैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? बर्ड्समैन ऑफ इंडिया, सही कहा, सलीम अली को बोलते हैं, ठीक। तो सलीम अली बर्ड्समैन ऑफ इंडिया है, तो इनका नाम आता है। तो या फिर फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी पूछते हैं तो सलीम अली का नाम आता है, ठीक। तो ये आप लोग याद कर लीजिए। और ऑस्टियोलॉजी, हिस्टोरी ऑफ बोन्स, ये सब तो पता ही है, ठीक। हिस्टोरी ऑफ स्पॉन्ज को क्या बोलते हैं? पैरोजोलॉजी, ठीक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैं बताता हूँ हिस्टोरी ऑफ फॉसिल एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं? पैलिटोलॉजी, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। और पोमोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस ऑफ डीलिंग विद फ्रूट एंड फ्रूट यील्डिंग प्लांट, ठीक है। इसके इसके साइंस को डील करना पोमोलॉजी कहलाती है, ठीक। और रेडियोथेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज विथ एक्सरे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, तो इसे बोलते हैं रेडियोथेरेपी। सोरोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लिजर्ड, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। सेरोलॉजी, सौरोलॉजी और सेरोलॉजी, देखिए इन पे कन्फ्यूजन होता है। सौरोलॉजी को स्टडी ऑफ लिजर्ड को बोलते हैं, सेरोलॉजी स्टडी ऑफ सीरम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इन ब्लड, ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल, ठीक। तो इसे सीरोलॉजी बोलते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस है कुछ, ठीक, तो इसे देख लीजिएगा। और सेरिकल्चर किसे बोलते हैं? स्टडी ऑफ रेयरिंग सिल्क मिल्क, सिल्क वार्म, ठीक, सिल्क वार्म, तो सेरिकल्चर बोलते हैं, ठीक। वेटनरी साइंस, ठीक, वेटनरी साइंस किसे बोलते हैं? ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। आप लोग जब आएंगे फर्स्ट ईयर में तो यहाँ पे वेटनरी एनाटॉमी की डिफिनेशन रटवाई जाती है, ठीक, वो डिफिनेशन और सेम डिट्टो लिखना पड़ता है, ठीक। तो वेटनरी साइंस क्या होती है? स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ ऑल डोमेस्टिक एनिमल एंड देयर हेल्थ केयर, ठीक है। तो किसी भी डोमेस्टिक एनिमल और किसी डिजीज की स्टडी और उसके हेल्थ के बारे में जानकारी, उसे वेटनरी साइंस बोलते हैं। जू जियोग्राफी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ, ठीक है। तो जू जियोग्राफी, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग इतना तो हो गया, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी ए साइंस ऑफ एक्सेप्शन, तो जो बायोलॉजी में एक्सेप्शन होते हैं ना, तो वहाँ से भी 100% क्वेश्चन आते हैं। तो मैं जो ये करवा रहा हूँ एक्सेप्शन वाली चीज़ें, इसे आप लोग 100% कॉपी में नोट करिए, ठीक, ये सबके लिए, ठीक। कोई दूसरा कलर चूज करता हूँ, ठीक। ठीक, देखिए रेप्टाइल्स है 3/1 चैम्बर हर्ड, बट क्रोकोडाइल एलिगेटर है 4 चैम्बर हर्ड, ठीक। रेप्टाइल्स वगैरह में 3 चैम्बर हर्ड होते हैं, ठीक, क्रोकोडाइल और एलिगेटर में 4 चैम्बर हर्ड होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सेप्शन चीज़ें पूछे थे, उनका फेवरेट क्वेश्चन होता है ये सब, ठीक। अब देखिए एक ऐसे पूछेगा कि कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई,
ठीक। तो इसमें ऑस्ट्रिच आता है, अभी तक आप लोगों ने ऑस्ट्रिच का नाम सुना था, लेकिन दो बर्ड्स और भी होती हैं। अगर ऑस्ट्रिच ऑप्शन में नहीं दिया हो, ईमू दिया रहेगा या फिर कीवी दिया रहेगा, ठीक। तो आप लोग याद कर लीजिए, ऑस्ट्रिच, ईमू और कीवी ये ऐसे बर्ड्स हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते, ठीक। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैमल्स जो होती हैं वो केवल क्या करती हैं, वो डायरेक्ट यंग वंस को जन्म देती हैं, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे मैमल्स होते हैं जो एग लेइंग करते हैं, ठीक। तो उसमें से नाम डक बिल्ड प्लेटिपस, ठीक, ये पहला नाम हो गया। स्पाइनी एंटीएटर, ठीक है, ये दूसरा नाम। तो ये दोनों नाम याद कर लीजिए, ठीक। बेसिकली दिख नहीं रहा होगा, मैं फिर से कर देता हूँ, ठीक। तो डक बिल प्लेटिपस एंड स्पाइनी एंटीएटर, ठीक। तो ये होती हैं जो ऐसी मैमल्स होते हैं जो एग ले करते हैं, ठीक। और देखिए, ये तो 100% लिखने का क्वेश्चन है, मेरे एग्जाम में आया हुआ, ठीक। मेरा गलत भी हो गया था, क्योंकि मैंने स्टेम पैरासाइट जो था मैंने रूट पैरासाइट लगा दिया था। तो ऐसे आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेम पैरासाइट, ठीक। तो उसमें कसकुटा का एग्जांपल था, ठीक है। अगर कहीं मैंने क्या, मैं सोचा था कि कसकुटा मतलब मैं क्या नाम है, रूट पैरासाइट लगा दिया था, ठीक है, जल्दीबाजी में। तो जल्दीबाजी कभी कभी आती हुई चीज़ें भी गलत कर देते हैं आदमी, तो जल्दीबाजी मत करिएगा। तो ये जो कसकुटा होता है वो टोटल, हाँ टोटल, देख ये भी आएगा, पार्शियल स्टेम पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट, तो ये टोटल स्टेम पैरासाइट है, ठीक। दो ऑप्शन होते हैं। और डाइकोट विथ नो डिस्टिंक्ट कॉटिलेडन, ये ऐसे डाइकोट होते हैं जिसमें कॉटिलेडन नहीं होता, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरस जो है सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कौन है, वायरस है, ठीक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और रेटिकुलेट वेनिएशन इज फाउंड इन डाइकोट, ठीक। तो जैसे हम लोग ये पढ़े हैं कि डाइकोट्स में रेटिकुलेट वेनिएशन पाई जाती है और मोनोकोट्स में पाइलर वेनिएशन होती है, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कैलोफिलम, क्रॉम्बियम, एरुंजियम, ठीक। तो ऐसे इंपॉर्टेंट हैं ये सब याद कर लीजिए, ठीक। इसका एग्जांपल, इसमें कैलोफिलम, क्रॉम्बियम, एरुंजियम, इन सब में जो होती है डाइकोट होते हुए भी रेटिकुलेट वेनिएशन नहीं पाया जाता, ठीक। और देखिए, पैलर वेनिएशन फाउंड इन मोनोकॉट, ये तो पता है सबको, लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिसमें मोनो पैलर वेनिएशन नहीं पाए जाते मोनोकॉट होते हुए भी, जैसे स्माइलैक्स, कोलोकेशिया, एलोकेशिया, डायसेरिया, डाइकोरिया, ठीक है, डाइकोरिया। तो इन सब में नहीं पाया जाता, तो इसका नाम याद कर लीजिए, ठीक। एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इज फाउंड इन सम मोनोकॉट्स लाइक एका, ग्रेव, आगेव, ड्रेकेना, ठीक। तो इन सब में क्या होता है, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है, ठीक है। किस में जैसे मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, लेकिन कुछ और होते हैं एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इज फाउंड इन सम मोनोकॉट, ठीक। नॉर्मली जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है मोनोकॉट में, ठीक। एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इज फाउंड इन सम मोनोकॉट्स लाइक ड्रेकेनिया, ड्रेकिना, एका एंड आगे। तो इसका एग्जाम्पल याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसे मैं 100% ये कहूँगा कि आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, बायोलॉजी का मिसयूज कहाँ कहाँ होता है, तो बायोलॉजिकल वार इज द मिसयूज ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे बैसिलस एंथ्रेसिस, क्लॉस्ट्रीडियम बॉटिलियम, इबोला वायरस, आर्सेनिया पेस्टिस, तो ये सब बायोलॉजिकल वार के लिए मिसयूज किए गए हैं, ठीक। तो ये ऐसा आएगा, इसमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोलॉजिकल वार मिसयूज ऑर्गेनिज्म, ठीक। इसमें से कौन सा ऐसी ऑर्गेनिज्म है जो बायोलॉजिकल वार के लिए मिसयूज किया जा सकता है, ठीक। तो इसमें इन सब का नाम ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। कोई तो आप लोग इसमें से टिक लगा दीजिएगा, बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक, क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम, ठीक, और इबोला वायरस, ठीक है। तो ऐसे सब है। और अमीनोसिंथेसिस क्या है, ये ऐसी टेक्निक है जिसमें फीटल एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट किया जाता है, ठीक। और सोनोग्राफी या फिर अल्ट्रासाउंड आप लोग करवाए होंगे कहीं ना कहीं, तो ये भी होता है, ठीक, ठीक है। तो ये बेसिकली अबॉर्शन, अब जैसे फीमेल चाइल्ड पहले इसका बहुत सोनोग्राफी का मिस यूज होता था, अभी भी लोग करते हैं, ठीक। तो यहाँ तक हो गया। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चन है जो कि अभी जो हम लोगों ने पढ़ा उससे रिलेटेड है, तो इसका क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, ठीक। और आप लोग इसे क्वेश्चन को लगा लीजिएगा और फिर जो मैंने पढ़ाया है उसमें से जो इंपॉर्टेंस है उसे आप लोग अपने उसमें कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक। और डेली एक दो लेक्चर आते रहेंगे और आप लोग बस उसे कॉपी में नोट कर लीजिए और फिर बार बार रिवीजन करिए। अगर उससे नहीं हो पा रहा तो आप इसके चैनल के माध्यम से डायरेक्ट कर लीजिए, ठीक। तो बेसिकली हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि अभी जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है उसी से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइकोलॉजी डील विथ स्टडी ऑफ। तो जैसे मैंने एक ट्रिक भी बताई थी कि जैसे कि आप लोग कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग डायरेक्ट FM याद कर लीजिए, ठीक। तो फंजाई की स्टडी को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी, ठीक। तो फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं, तो लेकिन फाइकोलॉजी बोला है तो फाइकोलॉजी की स्टडी को क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं। फाइकोलॉजी डील विथ स्टडी ऑफ, सॉरी, एल्गी बोलते हैं, ठीक। जैसे फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं उसी तरह, तो एक ही बचा
तो फाइकोलॉजी डील भी थी पहले, तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है हु कंसिडर एज फादर ऑफ बॉटनी। अभी देखिए मैंने वहाँ पे बताया था कि फादर ऑफ बॉटनी किसे बोलते हैं, तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, ठीक, ए टू जेड अरिस्टोटल जो हैं सबके फादर हैं ए टू जेड के, ठीक, यानी कि वो फादर ऑफ बायोलॉजी भी हैं, ठीक, और फादर ऑफ जूलॉजी भी। जैसे बॉटनी जूलॉजी मिला के क्या बोलती है, बॉटनी जूलॉजी मिलकर बायोलॉजी बनती है, तो ए टू जेड हो गया। तो जो अरिस्टोटल हैं बायोलॉजी और जूलॉजी की दोनों के फादर हैं, ठीक। अब बचा क्या, अब इसमें पूछा क्या हमसे, बॉटनी पूछा है, तो इसमें थियोफ्रेस्टस हो जाएगा। वैसे इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, सॉरी, मैं लेकिन फिर भी मैंने ट्रिक बता दिया। इसमें फादर ऑफ बॉटनी पूछा और अगर अरिस्टोटल होता तब आप लोग कन्फ्यूज होते, अरिस्टोटल का नाम नहीं दिया गया तो ये थियोफ्रेस्टस हो जाएंगे, डायरेक्ट बी हो जाएगा, ठीक। इतना हमें देखना नहीं है, ठीक। अब तीसरे नंबर पर आते हैं, ऑगेस्ट्रोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद, अभी देखिए ऑगेस्ट्रोलॉजी ये अभी मैंने बताया था वहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन था वो ग्रास की स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑगेस्ट्रोलॉजी, ठीक, तो ग्रास एगेस्ट्रो, ठीक, तो ऐसे करके आप लोग याद कर लीजिए। और फोर्थ नंबर, द ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील विद स्टडी ऑफ वेजिटेबल, तो ऐसी बॉटनी की ब्रांच जिस जो डील करती है स्टडी ऑफ वेजिटेबल उसे क्या बोलते हैं, सिल्वी कल्चर बोलते हैं, ठीक। तो ये है द टर्म बायोलॉजी किससे जुड़ी हुई है, ठीक, तो ये क्या थी, लेमार्क एंड ट्राइवेरनस, ठीक, तो इनसे जुड़ी हुई है बायोलॉजी का टर्म जो है, बायोलॉजी वो किससे जुड़ी हुई है, जिसके अरिस्टोटल से नहीं है, प्रोकिंजे से नहीं है, हॉक्सले से नहीं है, ये लेमार्क एंड ट्राइवेरनस से, ठीक। अब हम आते हैं सिक्स नंबर पे, प्लांट डिफर फ्रॉम एनिमल मेनली इन, कैसे डिफर है, ठीक। सिक्स नंबर, तो वाइटल एक्टिविटी ऐसे कुछ नहीं है, जो एक्टिविटी तो एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म सेम ही है, रिप्रोडक्शन उसमें भी होता है, सेक्सुअल एसेक्सुअल जो भी है, प्रोटोप्लाज्म भी सेम ही है, ठीक। न्यूट्रिशन के बेसिस पे ये लोग अलग हैं, ठीक है, प्लांट और एनिमल। सेवन्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, सेवन नंबर है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ इफेक्ट ऑफ फ्रीजिंग ऑन बायोलॉजिकल मटेरियल इज कॉल्ड, तो सेवन नंबर जो है उसका क्या हो जाएगा, इसमें फ्रीजिंग का वर्ड आ गया, तो इससे हम लोग क्रायो बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक। जैसे जब टेम्परेचर से रिलेटेड या लो टेम्परेचर या फ्रीजिंग जैसे शब्द आ जाए तो क्रायो, क्रायो का मतलब ही होता है, ठीक। अब देखिए गोल्डन राइस इज ए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ऑफ, तो गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन ए, ठीक, तो इसका बी हो जाएगा। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट था, तो हीरोडीन इज बीइंग प्रोड्यूस थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर्म, नाइन्थ नंबर क्या हो जाएगा, ब्रेसिका नेपस, ठीक, तो ये मैंने बताया था अभी, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फ्लेवर सेवर जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये क्या है फ्लेवर सेवर, तो ये टोमेटो था, ठीक। ह्यूमन जीनोम कॉन्टेन अबाउट, कितनी बेस पेयर पाया जाता है ह्यूमन जीनोम में, ये तो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो जो होता है 3.2 बिलियन जीनोम पाया जाता है, ठीक, एनसीईआरटी की ये लाइन है। और बीच वन ऑफ द बीच वन इज लाइबल टू चेंज विथ न्यू डिस्कवरी, ठीक, 12 नंबर का क्या हो जाएगा, हाइपोथेसिस, नई डिस्कवरी के लिए न्यू डिस्कवरी के लिए विच वन इज लाइबल टू चेंज विथ न्यू डिस्कवरी, तो हाइपोथेसिस होती है। और 30 नंबर क्या है, वैक्सीन डेवलप बाई पाश्चर वाज अगेंस्ट, तो जो वैक्सीन डेवलप किया गया था किसके अगेंस्ट में डेवलप किया गया था, तो ये डेवलप किया गया था चिकन पॉक्स के, ये नहीं है, रेबीज और एंथ्रेक्स दोनों के अगेंस्ट में डेवलप किया गया था, तो यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 13 का, ठीक। 14 नंबर क्या है, वाइजमैन प्रपोज, वाइजमैन ने क्या प्रपोज किया था, तो ये 14 का क्या हो जाएगा, ए थ्योरी ऑफ जर्म प्लान किसने प्रपोज किया था, वाइजमैन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आप लोग इस मतलब क्वेश्चन के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, अगर कोई बंदा मतलब थ्योरी पार्ट जो मैंने कराया उस पर ना जाके इस क्वेश्चन पे भी आ जाता है तो भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक। लेकिन अगर हम पूरा करेंगे ज़्यादा 30-35 मिनट की ये वीडियो बनेगी, आप लोग जल्दी करके देखिएगा और नोट कर लीजिएगा तो जल्दी हो जाएगा, ठीक। अभी समय है आप लोग के पास। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, हु प्रपोज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने प्रपोज किया था, तो सटन एंड वोवरी ने किया था, ठीक। ए बैक्टीरियम विच हैज़ बीन यूज टू बायो वेपन्स, देखिए वो मैंने भी बताया था वही क्वेश्चन है, तो बायो वेपन कौन सा ऐसी बैक्टीरिया जो बायो वेपन्स के लिए यूज होती है, ठीक। तो देखिए वहाँ पे जो नाम दिया गया था इसका नाम नहीं दिया गया था, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे इसका भी नाम नहीं दिया गया था, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या बैसिला एंथ्रेसिस इसका नाम दिया गया था, ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। ऐसा सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर आप लोग एक बार लगा के जाएंगे यहाँ से मेरे चैनल के माध्यम से तो फिर आप लोग मतलब बढ़िया करके आएंगे, ठीक। देखिए सौरोलॉजी, एक आता सेरोलॉजी एक आता सौरोलॉजी, सौरोलॉजी द स्टडी ऑफ क्या था, लीजर था, क्या था, लीजर था ना, सौरोलॉजी स्टडी ऑफ लीजर, ठीक, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। हु इज कॉल फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, अब देखिए ए टू जेड, ए टू जेड में क्या आते हैं, क्या आते हैं बताइए, ए टू जेड में बी अरिस्टोटल आते हैं ना,
अरिस्टोटल सबके पिता हैं, यानी कि बायोलॉजी सबके बायोलॉजी के पिता हैं। ठीक, अब 19 नंबर, हिस्ट्री ऑफ लीवर इज कॉल्ड, लीवर की हिस्ट्री को क्या बोलते हैं, हिपैटिक, हिपैटिक शब्द ही लीवर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हिपैटोलॉजी। तो देखिए जो स्टडी ऑफ लीवर, स्टडी या कुछ ना कुछ ऐसा करके कि उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो ऐसा ना क्वेश्चन आएगा ही। ठीक, 20 नंबर है, पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, पेडोलॉजी क्या बोलते हैं, सॉयल क्या बोलते हैं बताइए, अरे अभी तो बताया था सॉयल की स्टडी को। ठीक, अब देखिए द स्टडी ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ जीन फॉर बेनिफिट ऑफ ह्यूमन रेसेस, अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है और वहाँ पे भी मैंने बताया था कि इसका क्या होगा, तो ये इसका बताइए क्या होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग तो बोलते हैं। अब 22 नंबर पे आते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद इम्प्रूवमेंट ऑफ फ्यूचर ह्यूमन रेस, तो फ्यूचर ह्यूमन रेस के लिए क्या बोलते हैं, यूजेनिक्स बोलते हैं या यूथेनिक्स बोलते हैं, तो ये देखिए इपीजेनेसिस ऐसा कुछ नहीं है, जेनेटिक्स ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, यूथेनिक्स नहीं बोलते हैं, यूजेनिक्स बोलते हैं, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद इम्प्रूवमेंट ऑफ फ्यूचर ह्यूमन रेस। ठीक, तो उसे यूजेनिक्स बोलते हैं। 23 नंबर क्या है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की जो आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करवाता है, वो क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी होते हैं ना, क्लासिफिकेशन ये सब टैक्सोनॉमी के अंदर आता है। तो डॉली क्या है, डॉली किसी लड़की का नाम नहीं है, डॉली डॉली जो है वो ट्रांसजेनिक क्या थी, सीप थी। ठीक, तो इसका ऑप्शन नहीं हो जाएगा। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस इज पास्टुलेटेड बाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस ये किसने दी थी। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, बेडल एंड टेंटम। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए, ये अभी आगे और भी कहीं ना कहीं आएगा। साइंस ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विच इज अप्लाइड टू लाइफ साइंस इज, 26 नंबर क्या हो जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी उसे बोलते हैं, और फॉसिल की स्टडी को क्या बोलते हैं, पैलेंटोलॉजी। ठीक, ये बोलते हैं। रिप्टाइल्स आर स्टडी अंडर, रिप्टाइल्स के स्टडी को क्या बोलते हैं, इस्थियोलॉजी, ये तो फिश की स्टडी थी, फिश की स्टडी थी। हेलमेंथोलॉजी ये भी नहीं बोलते हैं, ये किसकी स्टडी, हेलमेंथिस की स्टडी को बोलते हैं। ठीक, हर्पेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं यही कहूँगा कि आप लोग इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक चैनल के माध्यम से पढ़िए, और मैं इसमें पूरा करवाऊँगा। और अभी लेट हो रहा मतलब ये सब जो लेट हुआ है चाहे वीडियो आने में और ये सब, तो कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती हैं। ठीक, लेकिन घबराना नहीं है आप लोग को, और अच्छे से स्टडी करते रहना है। ठीक, और बढ़िया से पढ़िए, और सब आई होप सबका फॉर्म भर गया होगा, आप आई होप सबका फॉर्म भर गया होगा, और फैलाइए इस वेटनरी के एग्ज़ाम को, क्योंकि बहुत कम लोग को वेटनरी के बारे में नॉलेज होता है। ठीक, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, ठीक, और इंस्टाग्राम आईडी जो मेरी है वो कौन सी है, द वेटनेरियन 01। ठीक, द वेटनेरियन 01। ठीक, तो और ये पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, @MathuraPVT, तो वहाँ पे जाके आप लोग इसको फर्दर एक बार नोट कर लीजिएगा, अगर आपको आप लोग को इधर से समझ में नहीं आता। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, किसी नेक्स्ट चैप्टर पे। अभी एक चैप्टर आपका इसका बॉटनी का फिनिश हो गया, अब मैं जूलॉजी का एक चैप्टर फिनिश करवाऊँगा, फिर उसके बाद में केमिस्ट्री का, फिर फिजिक्स का। ठीक, तो फिर ऐसा करके आप लोग को करवाता रहूँगा डेली। ठीक, और अभी मैं घर आया हूँ, और अभी तो छुट्टी ख़त्म होने को है, फिर मैं कॉलेज जाऊँगा। ठीक, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, ओके, बाय।